भागलपुर के नाथनगर थाना अंतर्गत चंपा नदी घाट में जितिया स्नान को लेकर गंगा स्नान करने गया नाबालिग छात्र डूब गया। इसके बाद चंपा नदी घाट पर कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 और स्थानीय थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नाथनगर थाना का गश्ती दल मौके पर पहुंचा। तत्पश्चात सदर SDO व अंचलाधिकारी को जानकारी दी गई। नाथनगर अंचलाधिकारी ने सूचना के उपरांत 4 की संख्या में आपदा मित्र को मौके पर भेजा। वहीं आपदा मित्रों के दौरान नदी में नाबालिग को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। नाबालिग छात्र की पहचान रेलवे फाटक नाथनगर के समीप रहने वाले पवन शाह के 12 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार के रूप में हुई है। घटना करीब सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। मोबाइल के लिए मोबाइल पृथ्वी नाम से। उम्र कितना जो कौन क्लास में पढ़े पढ़ाई बिल पढ़ाई कौन क्लास में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर स्थित PG अंबेडकर हॉस्टल में वर्षा का पानी भर जाने से कई दिनों से छात्रावास के छात्र परेशान हैं। उनके रहने वाले कमरे, शौचालय, कॉमन रूम इत्यादि में भारी जल जमाव हो गया है। इन परेशानियों को देखते हुए छात्रों ने विरोध जताया। इसके बाद आनन फानन में नगर निगम की टीम पहुंची, परंतु अत्यधिक जल जमाव होने के कारण निगम कर्मी भी सोच में पड़ गए। छात्रों के हॉस्टल से पानी कैसे निकाला जाए, छात्र कितने परेशान हैं कि वह भागलपुर के नगर आयुक्त, कमिश्नर, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के अम्बेडकर हॉस्टल में जल जमाव होने के कारण आज नाव के सहारे छात्र अपने सामानों को लादकर अन्यत्र रहने के लिए जाते दिखे। जितिया पर्व को लेकर भागलपुर और भागलपुर के आसपास के विभिन्न गंगा घाटों में अहले सुबह से ही महिलाएं गंगा स्नान करने को पहुंची। बरारी पुल घाट, मुसहरी घाट, सीढ़ी घाट, सखी चंद्र घाट, बाबूपुर घाट, मुसहरी घाट, सुल्तानगंज के अजगेवी नाथ घाट, कहलगांव के बटेश्वर घाट में महिलाओं ने स्नान किया और तेल खल्ली दान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। जिसका घर गंगा किनारे होता है वो गंगा स्नान करते हैं, पर दूरदराज के लोग भी गंगा स्नान करने और पूजा अर्चना करने इस दिन गंगा घाटों पर पहुंचते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में पहला दिन आज नहाए खाए व्रत किया गया। कल महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और उसके बाद पारण करेंगी। वहीं महिलाओं ने बताया कि जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हम लोग कर रहे हैं। गंगा जी आए हैं पुत्र के लंबी आयु के लिए पूजा व्रत करना चाहिए। हम तो इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं, सबको करना चाहिए। आज आप लोग क्या क्या किए यहाँ? आज यहाँ गंगा स्नान किए, तेल खली चढ़ाए, खजी चढ़ाए, यही सब किए, पूजा पाठ किए। आज उपवास भी रखेंगे, आज नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए पुरानी घाट आए, गंगा जी नहाने आए हैं, उपवास कल करेंगे, आज नहाए खाए हैं। नहाए खाए हैं तो क्या किस लिए ये पूजा किया जाता है? पुत्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र। आप आज कल उपवास कीजिए। जी जी कल उपवास, आज नहाए खाए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के कहलगांव में पिछले दिनों गणेश मेला से वापस घर जाने के लिए कुछ लोगों ने टोटो बुक किया। आगे बीच रास्ते में टोटो चालक के साथ उन लोगों द्वारा मारपीट कर टोटो, दो मोबाइल एवं कुछ पैसे लूट लिए गए थे। इस संबंध में रसलपुर थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। विशेष टीम द्वारा छापामारी करते हुए घटना में संलिप्त पांचों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही लूटा गया दो मोबाइल रुपया बरामद किया गया। इसकी जानकारी कहलगांव डीएसपी स्वर्ण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम भुवेश कुमार, गुलशन कुमार, ईशांत, सिंटू कुमार, सुमित कुमार है। सभी अपराधी भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के भोलसर थाना अंतर्गत रसलपुर के हैं। गांव मेला से टोटो बुक कर ले जा रहे पांच अभियुक्तों के द्वारा बीच रास्ते में ही टोटो चालक से मारपीट कर उनका टोटो, दो मोबाइल और कुछ रुपया की लूट कर ली गई थी। इस संदर्भ में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। दोनों मोबाइल रिकवर हो चुके हैं, पैसे भी रिकवर हो चुके हैं, अन्य बातों पर अनुसंधान जारी। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के यात्री शेड में एक अज्ञात शव के मिलने से अफरा तफरी मच गई। घटना तड़के सुबह की है। जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस फोर्स ब्रिजभूषण सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वेटिंग हॉल जो है नाथनगर, उसके नाथनगर वेटिंग हॉल में खड़ा तो ये सुन तब डेट किया कुछ पता चला था तो टाइम तो पता नहीं चला कि हाँ टाइम कितना बजे। सुबह मेरा यहाँ का कैंटीन स्टाफ जो है से जब देखा तो ये भावना मैंने ये व्यक्त किया कि ये लगता है आदमी डेट कर दिया। कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर था ये वेटिंग एरिया? वेटिंग रूम एक नंबर प्लेटफॉर्म पर है नाथनगर। आगे कार्रवाई क्या है? आगे कार्रवाई बस डेड बॉडी को ले जा रहे हैं ये भागलपुर, वहाँ पर डॉक्टर के परीक्षण होगा। साबित तो डॉक्टर ही करेगा कि हाँ अभी ये जिंदा है या मर गया। हम लोग देख रहे हैं कि हाँ मर गया लग रहा पहचान है हो पाई, लेकिन पहचान प्रमाणित तो करेगा डॉक्टर। नहीं पहचान हो पाई क्या? नहीं पहचान तो अभी कुछ नहीं हुआ। एक आदमी तो वही तो भाई साहब बता रहे हैं कि ये हाँ कहाँ का लगता है, लेकिन वो संदेहात्मक है, अभी क्लियर नहीं हो पाए। एक और जहां भागलपुर नगर निगम में आम जनमानस जल जमाव को लेकर हलकान और परेशान है, वहीं दूसरी ओर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निष्प अम्बे पंचायत के वार्ड नंबर 3 के तमाम ग्रामीण भी विगत 10 वर्षों से सड़क और नाले के अभाव के कारण जल जमाव से परेशान है। मनसर गांव से बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर तक मानो गंगा पार कर लोगों को आवागमन करना पड़ता है। खराब सड़क के साथ बीच बीच में 3 से 4 फीट के गड्ढे हैं, जिस कारण दर्जनों लोग बाइक और टेम्पो से गिरकर जख्मी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को 10 वर्षों से नारकिया जीवन जीना पड़ रहा है। वहीं वार्ड सदस्य ने नाला और सड़क नहीं बनने को लेकर इस पंचायत की मुखिया नीलू देवी को जिम्मेवार बताया है। कहा कि मुखिया दोषी है, उसे जनता की फिक्र नहीं है। वहीं मुखिया भी विगत 4 दिनों से पंचायत से बाहर है। किस में फंसे हुए हैं? अड्डे में फंसे हुए हैं। कब से प्रॉब्लम है ये? करीबन हो गया 10 दिन से हो रहा है। कितना फीट गड्ढा है? करीबन 3 फीट गड्ढा है यहाँ पे। 3 से 4 फीट गड्ढा है। 4 फीट गड्ढा है, जाने आने में लोगों को दिक्कत होता है। गाड़ी झगड़ा छोटी मोटी गाड़ी को आने जाने में बहुत दिक्कत है। भैया यहाँ पे क्या हुआ था कल? कल कहना 3-4 आदमी जा रहे थे, बारिश हो रहा था, पूरा रोड भरा हुआ था पानी से। उसके बाद 3-4 आदमी गिर गया, किसी का सर में चोट, किसी का टेम्पो उलट गया था इसमें, उसको उठाने के लिए 10-10 आदमी आए थे यहाँ पे। घर मंसर मेरा हुआ। कौन मुखिया है यहाँ का? यहाँ का मुखिया ये नीरू देवी। कौन पंचायत है ये? निस्वम्मय पंचायत। कब से परेशानी है आप लोगों को? 10 दिन से। 10 दिन से जी। 3 से 4 फीट गड्ढा है ना? 3 से 4 फीट गड्ढा है। मुखिया जी कहने के लिए जाते हैं तो लोग कोई ध्यान नहीं देता है, वो अपने करने पे रखता है। अभी आप गाड़ी लेके लसक गए ना? अभी गाड़ी लेके लसके हुए, एक नंबर जाने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ठीक ठीक। परेशानी आप लोग को? परेशानी से पर रोक टूटी गले, गाड़ी मटर गिरी जाए, बच्चा चल जाए, क्या देते अपना दवा दारू इलाज करा ला। या मुखिया बन ले सरपंच में तो रोड ना बने तो है। मुखिया केच के नीरू देवी हमरा पैसा दू पर डर लग जे की यही में की कितना फीट के गड्ढा छे? गड्ढा ना छे, बस इतने गड्ढा छे, 3.5 फीट गड्ढा छे। 3.5 फीट गड्ढा छे। नाम की हला तोरा? हमरा नानी रा देवी। घर कहां ला? मनसर।
पूरा अभी गाड़ी गिर जाते तो लेकर के कौन गांव है ये? गोड़ा टूट जाता अभी। कौन गांव है? मंसर है। ये क्या है रोड पे? गलत चीज है, खड्डा उड्डा है। कितना गड्ढा है? बहुत ज्यादा गड्ढा, अभी गिर जाते गोड़ा टूट जाता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी बाईपास से आ रहे हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ? निष्पम्बे। मुखिया कौन है? क्या है? नीरू देवी। राजद भागलपुर इकाई के तत्वाधान में भागलपुर स्थित एक विवाह भवन में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा जिला अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार विरसन पटेल, आचार समिति के सभापति भरत भूषण मंडल और राजद के प्रदेश प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का स्वागत राजद के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व अंगवस्त्र देकर किया। कार्यक्रम के उपरांत संबोधन में कहा गया कि 2024 के चुनाव को अपना मुख्य एजेंडा बनाते हुए राजद को आगे बढ़ना है और सशक्त करना है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना है और भाजपा को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तहत हो रहे महासम्मेलन कार्यक्रम के बाद सभी वरीय नेता और मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की सरकार को जमकर निशाना साधा। वहीं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी ने कहा, जातिगत जनगणना पूरे बिहार के दर्पण को बदलने का काम करेगा। मुख्य रूप से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना हक होगा। ऐसी जाति आधारित जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राजद के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री के अलावे नाथनगर विधायक अली असरफ सिद्दीकी, मानवाधिकार के अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के अलावे राजद के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। कि समाज के अंतिम जन, आदरणीय लालू जी कहते थे, गैया बकरी चढ़ते जाए, मुनिया बेटी पढ़ते जाए, जन्म दिया तो शिक्षा दो, डू एंड डाई, करो या मरो, यानी पढ़ो या मरो नारा दिया था। आज के तारीख में समाज के अंतिम जन को कि वहाँ शक्ति जाना चाहिए, विकास जाना चाहिए, उसके अनुसार बजट बनना चाहिए, उसके अनुसार योजना बनना चाहिए, और समाज के अंतिम जन को जब तक हम नहीं जगाएंगे तो चतुर्दिक विकास नहीं हो सकता है। जो समाज का बनावट है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि समाज का बनावट खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा देश को नुकसान कर रहा है, समाज को नुकसान कर रहा है, वह व्यवस्था नुकसानदेह है, इसलिए उसको खड़ी रेखा को पड़ी रेखा बना दो, समता मूलक बना दो, अब विशेष सुविधा वाला बना दो, विशेष अवसर वाला बना दो, और आज उस लड़ाई को तेज करने के लिए आज आदरणीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जो इस विचारधारा के लोग हैं सब एकताबद्ध हैं।